हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं फर्स्ट टाइम अपना नायका हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने पर्पल के कई सारे हॉल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देखें। मैं सारे वीडियोज आपको आई बटन पर दे दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए वीडियोज को देखना। तो मैं आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट टाइम नायका से परचेजिंग की है और फर्स्ट टाइम परचेजिंग करने के लिए मुझे कूपन कोड मिला था नायका फर्स्ट का, जिसमें मुझे मैंने जितना भी परचेज किया उसका 10% डिस्काउंट मिला था। साथ में नायका के 3 प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं एंड उसमें 30% का ऑफ था। साथ में मुझे 20 रुपीज का कूपन कोड भी मिला था। तो टोटल मिला के मैंने जो परचेज किया है, सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस काफी ड्रॉप हो गए थे। सो मैं प्रोडक्ट्स के एमआरपी एंड मुझे किस प्राइस में मिला है उसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। नायका के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस बॉक्स में यू रिसीव हुए हैं। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाती हूँ। और पर्पल के जो प्रोडक्ट पैकिंग है वो काफी अच्छी है। इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट में ही बबल रैपिंग थी, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही ओपन थे। और अगर पर्पल में आप छोटी सी भी चीज परचेज करते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से बबल रैप करके देते हैं आपको। सो कोई नहीं, मुझे सारे प्रोडक्ट्स अच्छी खासी स्थिति में मिले हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट्स मैं साइड में दे दूंगी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ताकि आपको इजी हो जाए चेक करना। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है, ये है नायका की सो मैट मिनी बुलेट लिपस्टिक। ये नायका की तरफ से है, नायका ब्रांड की है एंड इसकी क्वांटिटी है 1.5 ग्राम और इसका शेड है 11M नॉटी न्यूड। और मैं इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ आपको। तो ये है नायका की मिनी लिपस्टिक, बहुत छोटी सी पैकेजिंग है। और ये कैसी है, किस शेड में है, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। बट ओके, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। So, ये है इसका शेड। ओके, तो मैंने न्यूड शेड लाइक ब्राउन शेड की लिपस्टिक है ये। और अभी एज अ गर्ल मुझे ये इस तरह के शेड्स काफी ज्यादा पसंद हैं। तो फर्स्ट है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। ये प्लम की पहली परचेजिंग है मेरी और अभी तक मेरे पास कोई भी प्लम का प्रोडक्ट नहीं था। और मेरा मॉइस्चराइजर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था और मेरी एक्ने वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, तो इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। सब लोग रिकमेंड कर रहे थे कि ऑयली स्किन वाले इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है एंड दैट्स व्हाई आई चूज इट। एंड लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। और जैसा भी वर्क करेगा मैं इसको सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसकी क्वांटिटी 50 ml है बट इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे बजट से ऊपर है। और इस वजह से मैं वेट कर रही थी कि मे बी प्लम में काफी अच्छा ऑफर आए, बट थोड़ा सा ही ऑफर मिला था, बहुत ज्यादा नहीं मिला था। इसका प्राइस है 470 rupees और मुझे ये मिला था 356 समथिंग। सी ये कैसा वर्क करता है और क्या क्वालिटी है, कितना बेनिफिशियल है, सारी डिटेल्स मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बट आफ्टर 1 month ही ये वाला वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊंगी क्योंकि इसको मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है न्यू लॉन्च, ये है लैक्मे आइकॉनिक का आई लाइनर। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है, मैं इसका स्क्रीनशॉट साइड में दे दूंगी ताकि आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये न्यू लॉन्च है, आइकॉनिक रेंज का आईलाइनर है। मैंने आइकॉनिक रेंज का मस्कारा आप लोगों को दिखाया था, बस उसी का है। और ये पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसा है, कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। और इसको मैं ओपन करती हूँ, इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरह का है। ओके, और अभी मैंने इसको यूज भी नहीं किया है, एक्चुअली आज ही मुझे ये रिसीव हुआ है सब।
और बस अभी तुरंत मैं खोल रही हूँ इसको और इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो बस इसी का मैं बनाने वाली हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली देखिएगा। सो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसका प्राइस 250 रुपीज है एंड क्वांटिटी है 4.5 ml। सो आई होप ये काफी अच्छा होगा क्योंकि इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को इसके बारे में बात करते हुए भी देखा था और आपको तो पता ही है आई एम अ बिग लवर ऑफ आईलाइनर्स और मैं हमेशा आईलाइनर लगाती हूँ कोई भी छोटा मोटा या बड़ा फंक्शन हो जो भी हो। और अभी इस खुशी में मैंने एक्स्ट्रा लार्ज विंग आईलाइनर लगाया है, तो चलिए इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। प्रोडक्ट है वो है नायका डे ड्रीमर आई शेडो पैलेट। मैं इसका कवर की फोटो साइड में दे दूंगी ताकि आप इजिली देख सकें। ये एक आई शेडो पैलेट है, इसके काफी सारे शेड्स अवेलेबल थे और सिर्फ यही बबल रैप होकर आया था, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही बॉक्स में थे। और ये है, तो ये है वो सारे शेड्स, आप देख सकते हैं काफी अच्छे शेड्स हैं। सॉफ्ट ग्लैम लुक के लिए ये सारे शेड्स हैं और सिंपल सॉफ्ट सा मेकअप अगर करें तो उसमें सारे शेड्स अच्छे से यू नो चल जाएंगे। और अभी बस मैंने इसको देखा है इसकी पिगमेंटेशन कैसी है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, अच्छे से ब्लेंड होते हैं या नहीं, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है। और इसका रिव्यू मैं आप लोगों का शेयर करूंगी बहुत जल्द, तो इसके साथ मैं 2-3-4 जितने भी आई लुक्स हो सकेंगे मैं आप लोगों साथ पक्का शेयर करूंगी, तो आप लोग डेफिनेटली देखिएगा। ओके, लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेकअप पाउच, ये भी नायका का है और ये गोल्डन शेड में है। इसमें काफी सारे यू नो शेड्स अवेलेबल थे, सो मैंने ये गोल्डन कॉपर शेड चूज किया। इसकी ये जिपर है, क्वालिटी वाइज ये काफी अच्छा पाउच है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है और आई एम श्योर ये बहुत टाइम तक चलने वाला है। बट अनसेटिस्फाइंग ये रहा कि इसमें स्पेस काफी कम है, आप कोई भी बड़ा प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं रख सकते हो। बाकी मुझे क्वालिटी काफी पसंद आई, कलर भी काफी अच्छा है एंड इसका ये जिपर भी काफी अच्छा है। और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप रख सकते हो लाइक लिपस्टिक्स, आईलाइनर्स एक्सेट्रा, आप इसमें कैरी कर सकते हो। काफी पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं इस परचेजिंग के साथ काफी खुश हूँ। स्पेस है, कम है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट क्वालिटी वाइज दिस इज सो गुड, वेरी गुड। सो ये था मेरा आज का हॉल और बस 5 प्रोडक्ट्स ही मैंने परचेज किए हैं। देखना चाहती थी कि नायका की तरफ से प्रोडक्ट्स की रिसीविंग कैसी होती है, पैकेजिंग कैसी होती है एंड उसको मैं बस एक्सपीरियंस करना चाहती थी, सो दैट्स वाई मैंने बस इतना ही ऑर्डर किया था। आई होप आपको मेरा आज का हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, बाय।